महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। जमनू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इडलानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूँ कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना को ज्यांना गद्दार बोलले जाते ते मुख्यमंत्री होतात असं विधान उल्हासनगर भाजप जिल्हाध्यक्ष यांनी केले। त्यांच्या वक्तव्याने मोठी खळबळ उडाली आहे। तसेच राजकारणाची परिभाषा बदलली आहे। ज्यांनी गद्दारी केली होती ते आमच्या पक्षात आले आहेत, त्यांना आम्ही खुद्दार म्हणणार असं देखील रामचंदानी म्हणाले। उल्हासनगरमधील भाजप आमदार आणि उमेदवार कुमार आयलानी यांना स्थानिक साई पक्षाने समर्थन दिले, त्यासंबंधीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्या कार्यक्रमात भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी केलेल्या या खळबळजनक विधानाने मोठा गोंधळ उडाला आहे। दरम्यान या विधानामुळे शिवसेना काय पवित्र घेते हे पाहावं लागेल। जमनू जी ने कहा कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इडलानी को तो महापौर नहीं बने, तो मैं कहता हूँ कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदला है। जिनको हम कल गद्दार कह रहे थे आज वो हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें हम खुददार बोल रहे हैं। समय ने बदलाव किया है, राजनीति का चरित्र बदलता है। शिवसेना को मैंने कहा विरोधी जिनको गद्दार बोलते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो गद्दार नहीं खुददार होते हैं। आप मेरी बातों को तोड़ फरोड़ कर मत देखिए। मैंने कहा जो लोग विरोधी जिनको गद्दार कहते हैं वो खुददार होके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आगे मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम है, आरपीआई का नाम है। अगर कहीं आपको फोटो नहीं दिखती है तो ये मानवीय भूल है। इसमें मानवीय भूल है। कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ पर उनके उम्मीदवार है वहाँ पर व्यस्त है। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं, समय आने पर सभी साथ आएंगे। देखिए ये जो बुलाया गया था इसका आमंत्रण हमको साई पक्ष से मिला था। हम यहाँ पर गेस्ट हैं, हम होस्ट नहीं है। लेकिन आपका उम्मीदवार यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहा है, तब ये सवाल आपसे। देखिए इसका जो आयोजन है साई पक्ष ने किया था, साई पक्ष ने हमको बुलाया, बाकी पक्ष को आगे चल के बुलाएंगे। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।